आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं इनमें पहले के अकॉर्डिंग कैमरा में इंप्रूवमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लोग मिस कर देते हैं। अब जैसे 2020 या फिर 2021 का देखें तो भाई उस टाइम पे मैक्रो कैमरा सारे स्मार्टफोन्स में आता था, लेकिन अब मैक्रो कैमरा को धीरे धीरे सारे स्मार्टफोन ब्रांड गायब करते जा रहे हैं। अब जो लोग मैक्रो फोटोग्राफी फोन से करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि कौन सा स्मार्टफोन बाय करें मैक्रो कैमरा के लिए जो कि लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ आता हो। अब तक मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट मैक्रो फोटोग्राफी कैमरा था वो आया था रेडमी के नोट 10 प्रो में, जो कि मेरा पहला स्मार्टफोन था। आज तक कोई स्मार्टफोन मुझे ऐसा नहीं मिला जो उसको बीट कर सके। एंड इनफैक्ट आपको आईफोन में भी कोई भी मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिलता है, तो भाई उसी का सॉल्यूशन है ये गैजेट। एंड भाई ये एक लेंस है, मैक्रो लेंस, जो कि आप स्मार्टफोन पे लगा के अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हो। इसकी क्वालिटी बाकी लेंसेज की तरह बेकार नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी ये निकाल के देता है। आने को तो भाई 99 रुपीस में भी मैक्रो लेंस आते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हो तो भाई मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये है स्काईविक का मैक्रो लेंस जिससे आप मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो। अब भाई लेंस का तो हम टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस पाउच को देखो। यार कितना कॉम्पैक्ट सा है। अब सही बताऊं ना, मुझे तो लग रहा है कि लेंस में पैसे लगा के मैंने सही किया, क्योंकि लेंस की जगह मुझे एक कॉम्पैक्ट सा पाउच मिल गया। इस लेंस को हम टेस्ट करने वाले हैं आउटडोर में Vivo V23 स्मार्टफोन के साथ में। तो ये है Vivo V23 Pro एंड ये है हमारा मैक्रो लेंस स्काईविक का। चलो इसको इसके साथ पहले तो पेयर करते हैं प्राइमरी कैमरा के साथ एंड सैंपल्स देखते हैं। तो भाई पूरा पार्क घूम के देख लिया, लेकिन कहीं भी हमें फ्लावर्स वगैरह मिले नहीं। फिलहाल हम शूट करने वाले हैं इससे स्टीम्स वगैरह को, या फिर जो भी हमारा आसपास लीव्स वगैरह हैं प्लांट्स की उसको शूट करेंगे। अभी जो सैंपल थे ये थे इसके प्राइमरी कैमरा के साथ। अब इसको पेयर करते हैं इसके मैक्रो कैमरा के साथ, क्योंकि मैक्रो कैमरा से हम ज्यादा पास जाके फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। तो इसी सैंपल को अब हम मैक्रो के साथ फोटोज क्लिक करते हैं। तो अब कुछ फोटोज क्लिक करते हैं चींटियों की, यहाँ पे काफी सारी चींटियां हैं पेड़ पे। चलो क्लिक करते हैं एक बार। तो ये था Vivo V23 Pro और ये स्काईविक का 20x मैक्रो लेंस का रिव्यू। तो भाई सैंपल देख के आपको पता चल गया होगा कि इसकी क्वालिटी कितनी तगड़ी है। तो भाई अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हो अपने स्मार्टफोन से तो भाई इस लेंस को जरूर ट्राई करना है। एंड इसके आपको और भी काफी सारे लेंसेज देखने को मिल जाएंगे जिसमें मैक्रो एंड अल्ट्रा वाइड साथ में आता है, वो नियरली आपको 2000 के अराउंड पड़ेगा। एंड ये जो है ये आपको 1000 के अराउंड मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी आपको प्रेफर करना हो, लेकिन ये लेंस किसको बाय करना चाहिए। अब देखो अगर आप प्रोफेशनली मैक्रो फोटोग्राफी का काम करते हो स्मार्टफोन से तो आप इस लेंस को प्रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी है। एंड इसके और भी लेंस है वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, आप मैक्रो फोटोग्राफी से इतना मतलब नहीं है, तो आप इसमें पैसे वेस्ट ना करें। आजकल तो आपको सारे स्मार्टफोन में प्रोमोड कैमरा देखने को मिलता है एंड उसकी हेल्प से आप क्लोज जाकर फोटोग्राफी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर प्रोफेशनल हो तो इस लेंस में इन्वेस्ट करना। एंड स्काईविक के और भी लेंसेज आते हैं, लाइक अल्ट्रा वाइड हो गया, सिनेमेटोग्राफी के लिए हो गया, एंड और भी काफी सारे लेंसेज हैं। तो अगर उनका रिव्यू एंड टेस्ट देखना है तो भाई सब्सक्राइब डाउन बॉक्स जाने for unbox the gadget, unbox the happiness.